मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना सीट से भारत आदिवासी पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कमलेश्वर डोडियार बाइक पर सवार होकर भोपाल में विधानसभा कार्यालय पहुंचे। बाइक पर 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद डोडियार ने कहा कि वह लंबे समय से दो पहिया वाहनों पर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि वह कार नहीं खरीद सकते हैं। मैं तो इतने समय से मोटरसाइकिल पे ही रहता हूँ ना, मैं तो मेरे पास में नहीं है, हालात नहीं, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं फोर व्हीलर, तो मैं कहाँ से लाऊं साहब, मेरी मजबूरी मोटरसाइकिल पे चलना। मुझे पता चला कि विधानसभा 4 बजे बाद ऑफिस बंद हो जाता है और मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, 4 बजे के पहले पहले मुझे पहुँचने का टारगेट था मगर मैं लेट हो गया। कमलेश्वर ने कहा कि अगर उन्हें ये महसूस होगा कि विधायक बनने पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं, तब ही वह चार पहिया वाहन का विकल्प चुनेंगे। जब मुझे लगा कि सुरक्षा का खतरा है तो मुझे फोर व्हीलर का यूज करना पड़ेगा और मुझे लगा कि मुझे कोई बाल बांका नहीं कर सकता तो मैं बाइक पे ही चलूंगा, क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। कानून में स्नातक डोडियार भारतीय आदिवासी पार्टी के सदस्य हैं। उनकी पार्टी ने सैलाना सीट जीतकर मध्य प्रदेश में अपनी पहली जीत दर्ज की। अब उनकी निगाहें अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें दूर करने पर टिक चुकी है। सरकार किसकी बने, अब बीजेपी की मेजोरिटी के साथ में है, मैं सरकार से बात करूंगा, मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा मैं और मेरे हालात उनको बताऊंगा, मेरे इलाके की क्या समस्या है वो भी बताऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है मैं जो मांगूंगा मेरी विधानसभा के लिए वो मुझे मिलेगा। डोडियार ने सैलाना निर्वाचन क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4,618 मतों के अंतर से हराया।